नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए देरा गांव, तालुका नगर, जिला अहमदनगर। तो दोस्तों यहां पे तुम तो होटल बनाओगे, महालक्ष्मी होटल भाऊसाहेब काले। तो इनके होटल के पास, इनके होटल के बैक साइड में एक कुआ है, एक उनके कुएं में एक सांप दिखाई दिया है। लगभग वो दो से तीन दिनों से कुएं में ही है। तो दोस्तों हमारे दोस्त है यहाँ के शाहरुख शेख, इन्होंने हमें रेस्क्यू पे बुलाया है क्योंकि ये अकेले ही यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। इनके मदद के लिए हम यहाँ पे रेस्क्यू पे आए हैं। तो हम अभी वो सांप को रेस्क्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों कौन सा सांप है, हम आपको बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। अरे ना सिगरेट मुंह देंगे ना ¿No?
उठा ऊपर रैकेट उठा ऊपर तुम आगे गए शाहरुख उसके 2 फुट दूर रैकेट छोड़ ओ तुम इतने दावा टाइट कर बस इधर लेना हेलो दोस्तों, तो आपने अभी भी देखा हमने एक कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है जो कि भाऊसाहेब काले गांव देहरा तालुका नगर जिला अहमदनगर। तो हमने इस सांप को कुएं से रेस्क्यू किया है। तो ये कुएं में लगभग 3 से 4 दिन से गिरा हुआ था और ये लगभग 5-5.5 फीट का एक कोबरा स्नेक है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सांप रेस्क्यू किया हमने भाऊसाहेब काले, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक लगभग 5 से 5.5 फीट का एक कोबरा स्नेक हमने वहां से कुएं में से रेस्क्यू किया है। तो अभी हम उसे फॉरेस्ट में रिलीज करने आए। तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक कोबरा स्नेक है हमने जो रेस्क्यू किया है भाऊसाहेब काले तालुका नगर जिला अहमदनगर देरे गांव से हमने ये रेस्क्यू किया है। और शाहरुख शेख हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त है इनका ये रेस्क्यू कॉल था, लेकिन ये क्या, ये सांप कुएं में था और ये यहाँ पे अकेले ही रेस्क्यू करते थे और ये रेस्क्यू बहुत ही क्रिटिकल था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो अभी हमने इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू किया है। दोस्तों ये सांप बहुत ही जहरीले होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक नाम का इसमें एक जहर पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। और अभी हमने ये स्नेक रेस्क्यू किया, अभी हम इसे फॉरेस्ट में रिलीज करने आए दोस्तों। तो अभी हम इस सांप को छोड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी हम इस स्नेक को रिलीज करेंगे।